अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडर रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 6 चल रहा है, फोर्स एंड द मोशन 2। प्रॉब्लम नंबर 36 है। टर्मिनल स्पीड डाइवर की दी गई है 160 किलोमीटर जब वो स्प्रेड एंगल पे होता है, इस सिचुएशन में होता है, और 310 किलोमीटर दी गई है जब वो नोज डाइव पोजिशन के अंदर होता है। ठीक है, अब वो कहता है ड्रैग फोर्स जो सी है वो डजंट चेंज, यानी अगर आप वो पोजिशन चेंज भी कर रहे हैं तो कब ड्रैग की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। रेशियो बताओ इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया की। तो हम जानते हैं वेट डाउनवर्ड होगा और आपके पास ड्रैग उसके अपोजिट होगी, तो एम जी माइनस ड्रैग की फोर्स लगा दी। अब यहाँ से ए निकाला जा सकता है क्योंकि हमने ए का रिलेशन मांगा है, उसने ए की यानी वैल्यू रेशो मांगी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से आपके पास 2mg ओवर रो सी वी टी। अब 2 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, रो भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, क्योंकि उसने कहा c डजंट चेंज। तो अब आप इनका इनवर्स रिलेशन समझ गए हैं। तो अगर आप स्लो और फास्ट का देखते हो, स्लो पोजिशन पे एरिया और फास्ट पोजिशन पे एरिया, तो वो इनवर्स चलेगा। तो वो वैल्यूज हमने डाल दी। अब आपको स्लो वेलोसिटी भी दी हुई थी, फास्ट वेलोसिटी भी दी हुई थी, वैल्यूज डाल के आप डालोगे रेशियो 3.75 एरियाज की आ जाएगी। तो ये जनाब हमारे पास सिचुएशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।